तो यही है दोस्तों कुछ नज़ारा यहाँ का, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। और वहाँ पे आई डोंट नो, हाँ कपड़ा धुलने का काम हो रहा है, वहाँ पे लोग कपड़ा धुल रहे हैं। और देखा जाए तो हम पुराने पुल पे हैं और काशी का मानसून देखिए आप, पूरा चारों तरफ काला बादल घने छाए हुए हैं। अब बारिश भी हो रही है जहाँ तक आपको दिख रहा होगा इस, और कुछ ऐसा नज़ारा है, गेट लगभग लगभग सारे गेट खुले हुए हैं। और ये पुराने पुल का कुछ दृश्य है जो वरुणा तटीय इलाके हैं, बाढ़ की वजह से सबका सब डूब डूब चुका है। वहाँ भी देख सकते हैं आप नाव लगी हुई है, और वहाँ पर आई डोंट नो लोग न जाने किस तरीके से वहाँ जा रहे हैं। वहाँ बीच में आप देख सकते हैं वहाँ पे न जाने लोग कैसे जा रहे हैं। और ये आपका वरुणा कॉरिडोर की बस खम्भे दिखाई दे रहे हैं और पूरा जलमग्न हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति कम हो रही है, हमें नहीं लगता है कि कम हो रही है क्योंकि वैसे का वैसे ही वहाँ पर रुका हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पुराने पुल का कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये आपका वरुणा नदी, इसमें पानी का बहाव देखा जाए तो वापस जा रहा है गंगा की ओर, और कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं उधर पे पूरा सरैया डूब चुका है। तो ये आपका पुराने पुल और ऊपर अशोक का पिलर, ऊपर अशोक का पिलर। और इस पुल को 16 मुहां शेर भी कहते हैं क्योंकि चार के चार, चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, चार चौके 16 शेर बने हुए हैं पुल पे। तो चलिए उस पार चलते हैं, आपको उस पार से दृश्य दिखाते हैं। और ये आपका यहाँ सामने एक मदरसा हुआ करता था, वो डूब चुका है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, आप देख लीजिए। आप मेरा आगामी वीडियो देखे होंगे, पिछला वीडियो जो मैं बनाया था वहाँ पे, वहीं पुल से वीडियो बनाया था। और पूरा जलमग्न है, अभी बारिश होने वाली है, मुझे निकलना है घर। तो चलिए दोस्तों आपको सलपुत्री वाले रोड पे दिखाते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया हुआ है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं रास्ता चला जाता है सलपुत्री मंदिर के लिए। अभी नवरात्र चढ़ने वाला है, कुछ दिनों में नवरात्र आएगा, शारदीय नवरात्र जिसमें पंडाल लगता है। तो यहाँ पे पहला पूजा यहीं पे होता है इसी मंदिर पे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आगे जाके बाएं मुड़ेगा, वहीं पे आपका मंदिर है सलपुत्री जी का मंदिर। और आप देख सकते हैं बाढ़ का पानी यहाँ तक आ चुका है, और अभी इधर तक था, अभी कुछ समय तो पहले थोड़ा बाढ़ का पानी कम हुआ है तो चला गया है नीचे। आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग कूद कूद के नहा रहे, कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ दो बच्चे बैठ के अपना कुछ खा रहे हैं और देख रहे हैं, लोग परेशान है देखा जाए तो।